अक्सर लोग इस बात को लेकर सोच में रहते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें जिसे हमें मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है ये सोचना कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना आप 10 साल या 15 साल बाद दुनिया को इमेजिन नहीं कर सकते। हर दशक में जो एक चीज होती है वो है टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, जैसे फैंग स्टॉक्स यानी कि फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल। ये वो कंपनीज है जो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन लेकर आई है। 20 साल पहले अगर आपने इन सब में से किसी एक कंपनी के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास करोड़ों रुपए होते। हर दशक में दुनिया में कुछ ना कुछ इनोवेशन होता है जो हमारे जीने के तरीकों को बिल्कुल बदल कर रख देता है। ऐसे ही 21st सेंचुरी का इनोवेशन लहर भी शुरू हो चुका है और अभी नेक्स्ट फैंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का अगर आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ करे, कैसे करे, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अगर इनोवेशन की बात करें तो आज सेमीकंडक्टर्स, 5G, ब्लॉकचेन, जेन टेक्नोलॉजी, मेटावर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोबोटिक जैसे एरियाज में इनोवेशन जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। ग्लोबली अगर हम इन सारे इनोवेशन की बात करें तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहले के जमाने में जो भी इस तरह का इनोवेशन हुए थे उन्हें आम लोगों की जिंदगी तक पहुंचने के लिए बहुत समय लग गया था और इसलिए उनके ग्रोथ को लगभग 40 से 50 साल लग जाते थे। पर जैसे टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बढ़ रही है ये ग्रोथ का टाइम भी कम होता जा रहा है। अभी के सिनेरियो की बात करें तो जिस तरह से इनोवेशन हो रहे हैं वो लगभग 15 से 20 साल में हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, रोबोटिक्स हो या फिर मेटावर्स। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ग्रोथ बहुत तेजी से इन सेक्टर्स में आएगी और उसका फायदा आप उठाना चाहते हैं तो आपको इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर सच कहूं तो अपने देश में इन सेक्टर्स में कोई ऐसी लिस्टेड कंपनीज नहीं है जहां हम इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो इंडिया में ईवी रेवोल्यूशन फेज मैनर में आएगी, पहले 2-व्हीलर में, फिर 4-व्हीलर में। इसमें भी भारत के बाजार में भी इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस लिमिटेड ही है। अगर बाकी टेक्नोलॉजी की बात करें जैसे ब्लॉकचेन, मेटावर्स, सेमीकंडक्टर्स, रोबोटिक्स, तो इंडियन मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं के बराबर है। जनरली इन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट का मौका बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के पास ही है। इसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को रिटेल इन्वेस्टर तक पहुंचाने के लिए DSP म्यूचुअल फंड लेकर आ रहा है, DSP ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। ये NFO 24 जनवरी को लॉन्च हो चुका है और ये 7 फरवरी तक चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस फंड की डिटेल एनालिसिस ताकि आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। DSP ग्लोबल इनोवेशन फंड एक फंड ऑफ फंड है जो कि अपना पैसा ओवरसीज फंड में इन्वेस्ट करेगा, जिसमें 70% एक्टिव फंड्स होंगे और 30% पैसिव फंड्स। लेकिन अभी रिसेंटली एक सेबी की सर्कुलर आई है जिसमें सेबी ने कहा है कि इंडिया की जो लिमिट है ओवरसीज फंड में इन्वेस्ट करने की वो $7 बिलियन की है, जो हम टच कर चुके हैं। इस लिमिट को और बढ़ाने की बात चल रही है जिसका कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है, इसलिए तब तक इस फंड में जो भी पैसे उठेंगे वो एक बार ETFs में इन्वेस्ट होंगे। और जब ये लिमिट बढ़ जाएगी तो DSP ग्लोबल इनोवेशन फंड इस तरह दूसरे फंड में इन्वेस्ट करेगी। चलिए देख लेते हैं स्क्रीन पे। iShares सेमीकंडक्टर ETF 15%, मॉर्गन स्टेनली US इनसाइट फंड 15%, BGF वर्ल्ड टेक्नोलॉजी 20%, निको AMAR के डिसरप्टिव इनोवेशन फंड 15%, ब्लू बॉक्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी फंड 20%, iShares नस्डाक ETF 15%। DSP फंड हाउस का मेन मकसद अगर कहा जाए तो ये एक फंड से बहुत सारे थीम्स को कैप्चर करना चाहता है और वो थीम को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला है डोमिनेटर्स, दूसरा है एनेबलर्स और तीसरा है यंग डिसरप्टर्स। डोमिनेटर्स की बात करें तो जैसे नाम से पता चल रहा है ये वो कंपनीज है जो अपनी इंडस्ट्री में लीडर्स है, चाहे वो मार्केट कैप में हो, मार्केट शेयर हो या फिर रेवेन्यू। ये कंपनीज कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स है और इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। इसमें ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंपनी है जैसे कि गूगल, अमेजन, एप्पल, टेस्ला, एडोब और नेटफ्लिक्स इंक्लूडेड है। दूसरी कैटेगरी है एनेबलर्स की, जिसमें वो कंपनीज आती है जो इन ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंपनीज को, नई कंपनीज को स्केल करने में मदद करती है। इसमें एक कंपनी है EPAM जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजाइनिंग का काम करती है। वैसे ही इसमें सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड भी कंपनीज है जैसे कि इंट्यूट, NVIDIA, Qualcomm। सेमीकंडक्टर हमारे रोज की जिंदगी में बहुत सी चीजों में यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ऑटोमोबाइल्स में सेफ्टी और कनेक्टिविटी के लिए। धीरे धीरे जैसे हम EVs की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे इसका यूज भी हमारी जिंदगी में
और बढ़ता जाएगा। वहीं अगर बात करें यंग डिसरप्टर्स की, तो ये वो कंपनीज है जो फ्यूचर में डोमिनेटर्स बन सकते हैं, मतलब नेक्स्ट गूगल या एप्पल बन सकती है। इस फंड का मेन मकसद यही है कि ऐसी कंपनीज में अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करना, जब इन कंपनीज में ग्रोथ का स्कोप ज्यादा है। ये यंग डिसरप्टर्स नए बिजनेस लाइंस बना रही है, जैसे कोविड के कारण सब कुछ डिजिटल हो गया, हमारी ऑफिस की मीटिंग्स हो, एजुकेशन हो या शॉपिंग। इसमें जूम जैसी कंपनीज ने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज किया। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज है जो कि जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी में काम करती है। जीनोम एडिटिंग बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें साइंटिस्ट डीएनए को भी चेंज कर सकता है। इसके अलावा टेलाडॉक जैसी कंपनीज है जो कि पेशेंट को 24/7 वर्चुअल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कॉइनबेस भी इंक्लूडेड है। अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो फंड का 53% एलोकेशन सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है। इसके अलावा फंड ने बायोटेक्नोलॉजी, फिनटेक और ई कॉमर्स जैसे इंडस्ट्रीज को भी कवर किया है। तो ये तो हो गई फंड की पूरी पोर्टफोलियो की बात। अब क्योंकि ये फंड खुद दूसरे फंड में पैसे इन्वेस्ट करती है, तो इन सब फंड्स का भी एक्सपेंस इसी फंड में ऐड होगा, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है। जनरली किसी भी एक्टिव मैनेज फंड्स के एक्सपेंस रेशियो 0.5% से 1% के बीच में होता है। इसका डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.35% है और रेगुलर प्लान का 2.55% है। बट फंड्स ऑफ फंड्स का एक फायदा है कि इसमें अलग अलग फंड मैनेजर है जो फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, और पूरा फंड किसी एक फंड मैनेजर के डिसीशन पर नहीं चल रहा है, और हर फंड मैनेजर के एक्सपर्टाइज का फायदा इन्वेस्टर को मिलेगा। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। इस फंड का मेन फोकस है दुनिया में रहे इनोवेशन को कैप्चर करना, तो शॉर्ट टर्म में इसमें काफी वोलेटिलिटी दिख सकती है। इसमें लमसम और सिप दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सिप के थ्रू इन्वेस्ट करने से बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। ये फंड काफी वोलेटाइल होगा इनिशियल स्टेज में, और अगर वोलेटाइल से बेहतर रिटर्न्स बनाने हैं तो सिप एक बेहतर ऑप्शन है। ये पहली बार है कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी समझती है कि इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए SIP ही एक बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्टर के लिए, इसलिए इन्होंने इस फंड की मार्केटिंग भी SIP वाला NFO किया है। ये फंड के रिटर्न्स में वोलेटिलिटी इनिशियल स्टेज में होने का कारण यंग डिसरप्टर्स है। ये एक प्रीमेच्योर मार्केट है जहां 5 से 10 साल लग जाते हैं ग्रोथ आने पे, पर जब ग्रोथ आती है तो वो रिटर्न्स जबरदस्त होते हैं, और मार्केट में मैच्योर होगा तो जरूरी नहीं ये सारे यंग डिसरप्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, पर इसमें से कुछ कंपनीज है जो डोमिनेटर्स बनेगी। अब ये किसी को नहीं पता कि वो कौन सी कंपनी होगी, इसलिए जैसा कि हमने देखा था कि जो बूमिंग इंडस्ट्री है जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उसमें फंड का इन्वेस्टमेंट 29% है। मतलब इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एग्जांपल के तौर पर अगर 10 मेजर कंपनीज है तो फंड में उन सारे 10 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तो बूम होगी, पर कौन सी कंपनी डोमिनेटर बनेगी ये किसी को नहीं पता। तो अगर 2-3 कंपनीज भी एप्पल या गूगल जितना बन जाती है तो इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिलेंगे। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात करें तो आपको इस फंड में अच्छे रिटर्न पाने के लिए मिनिमम 5 से 10 साल का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो आप मिनिमम 500 रुपये से भी इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्टली टैक्सेशन की बात करते हैं। इस कैटेगरी के फंड्स पर टेप टैक्सेशन लगेगा। अगर आप अपने यूनिट 3 साल के अंदर बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन पर आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना है, पर अगर आप अपने यूनिट 3 साल के बाद सेल करते हैं तो आपको कैपिटल गेन पर 20% टैक्स भरना है आफ्टर इंडेक्सेशन। तो ये था पूरा एनालिसिस DSP ग्लोबल इनोवेशन फंड्स के बारे में। आई होप आपको ये एनालिसिस इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको और कुछ भी जानना हो इस फंड के बारे में तो आप हमारे एसेट गुरु से नीचे दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें, और कमेंट में हमें बताइए कि क्या आप इस NFO में अपना सिप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रेटजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।